इधर बढ़िया को किस चीज ने काट लिया, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जीत भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसे आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को लाइक कर दो। यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो? यार कह रहा हूँ लाइक कर दो तो लाइक कर दिया करो यार, आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो आप लोग लाइक कर दिया करो। तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन होता है। का मेरे साथ है, आड़ू कार खा रहा है वो चेक करो, और अभी ना क्या है मेरे ख्याल से यही सीन हुआ। अब मैंने कहा कि मल्टू बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, उसको नहलाया जाए, तो अभी मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मल्टू को नहलाते और आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन होता है। चलो भाई चलो चलो। और माज को नहलाने लगे हैं क्योंकि अभी ये मस्तियाँ करेगी और हमें जख्मी करेगी, क्योंकि इसके नाखून बहुत बड़े हुए हैं और ये डारी भी पानी से। तो इसको नहलाते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह निकलती है, सही जलती भी है कि नमाज भी बैठा है साथ। अब इसको नहलाते हैं क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, शायद इसको भी लग रही होगी, लेकिन देखते हैं अब क्या सीन होता है। वहाँ पर मैंने और माज ने नहला दिया, माज को तो बंजा भी मार दिया लेकिन बचत होगी। तो वहाँ से जल्दी नहलाया, उसके बाद भाग के कमरे में आ गई। कमरे में आई तो इधर साइड पर आके छुप गई। मल्टू ये चेक करो, आप किसी की बात भी नहीं सुन रहे यार, नाराज़ हो चुका है क्योंकि बैठा के जगह पे चेक करो यार, जैसे आके छुप के आके बैठ गया। क्या हाल है? चेक करो, अभी साफ हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, तो देखते हैं बाहर कैसे होता है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। चलते हैं बाहर यहाँ से, तो घर से बाहर तो मैंने कहा चलते हैं, अब खर्चत कराने के लिए दाढ़ी छाड़ी थोड़ी साइड करा लेते हैं, बाकी ओके की रिपोर्ट है, बस चलते हैं खर्च करवाने के लिए। देखते हैं अब किधर से करवाते हैं। हम जाते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे फिट नाई के पास। अब लोग कहते कौन सी जगह पे जा रहे हो? आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ सबसे मशहूर एंड सबसे फेमस नाई के पास। मैंने कहा इधर से बाल कटाए, काफ़ी टाइम हो गया इधर से बाल नहीं कटाए, क्योंकि मैं जाता रहा हूँ सैलून वगैरह और दुकानों में। मैंने कहा ये बेस्ट है आज के लिए, तो इस जगह से बाल कटाएंगे। बाल तो नहीं कटवाने लेकिन खाद हल्का फुल्का से करवाना है। मैंने कहा हल्का फुल्का से खाद करवा ले, तो सबसे सबसे मशहूर एंड सबसे फिट नाई के पास आया हूँ मैं। तो बस इधर से कटवाते हैं खाचत, उसके बाद दिखाते हैं क्या सीन हो गया। जंगल में आने का बड़ा ही मज़ा है, चेक करो कितना प्यारा व्यू है। कटवाते हैं इधर से, दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन होता है। भाई खाद कराने के बाद पप्पू बन चुका है फिट सा, तो खाद चेक करा लिया आपके भाई ने, बड़ा फिट खाद काटा है। मैंने कहा ये हैवी है, ठीक है सैलून में जाओ, ज़्यादा पैसे भी लेते हैं और सही खाद भी नहीं कर रहे। इधर आया हूँ कम पैसों में चीज़ फिट कर दी इसने, 100 रुपये लिए हैं चीज़ फिट कर दिया है, लेकिन मज़ा आ गया। तो देख के तो हल्का हल्के बाल भी कटा लिए, मैंने कहा बाल भी थोड़े साइड कर लो, लाद भी ठीक सीधे कर दिए। अब चलते हैं घर वापस, तो दिखाते हैं आप लोग कैसे होते हैं। खाद चेक करा के वापस तो माज भी मिले, मिल गया और मामू भी आए हुए थे माशाल्लाह। मामू अभी ये भी आए हैं, कह रहे हैं मिठाई खा रहे हैं, चेक करो गले गले। और मल्टू भी इधर बैठा हुआ है, उसका वो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं मल्टू को, भाग ना जाए। बस चलते हैं अभी अंदर, थोड़ा बहुत अपने आप को साफ़ करते हैं पानी से, उसके बाद दिखाते हैं क्या सीन होगा। अपने आप को सही सुखा लिए और बाल चाल साफ कर लिए, तो अब चलते हैं हरगम के पास। हरगम को बताते हैं कि हरगम हरगम तो गेम खेल रहा है यार, उड़ गया यहीं से, उड़ गया। मैंने तो उधर मल्टू को नहला लिया, आप थे ही नहीं। मैं सोया हुआ था, मैं मुझे मुझे कह के कहते मल्टू को नहलाते हैं साथ नहलाएंगे, उधर देखते हरगम साहब जी सोए हुए। फिर मैंने कहा मास को बुलाते हैं, मास को कहा बेचारे ने पकड़ा है, मैंने पानी से डाला है लेकिन मस्तियाँ बहुत की उसने, लेकिन मास को हल्का सा मारा भी है पंजा, लेकिन बचत होगी शुक्र है। तो बस हरकम देखा है आपने मल्टू को, सही है? जी देखा है, सही है, साफ हुई है कि नहीं हुई? वही है, ठीक हो गया। तो मैंने हल्का फल्का शैम्पू मारा सही, लेकिन रगड़े दिए हैं लेकिन नहीं कुछ हुआ, इतना कोई ख़ास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है, गर्मी भी है उस वजह से थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसको तो बस पानी से मैंने क्या चीज़ है, लेकिन रुक रही थी जगह पर। तो बस मैंने कहा यही सीन है, तो आप लोग आगे दिखाते हैं। इधर बढ़िया को किस चीज़ ने काट लिया, ये क्या है? कैसे कैसे काटा है? वो मैं फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ पे जम्बूरी। ओ हो, ये क्या कर दिया भरियो ने यार, ऐसा पता नहीं कैसे हो गया। ताला लगाओ वो सही हो जाएगा। ताला इसके ऊपर मलो, हाँ इस तरह सारा बेड़ा कर दिया अपना यार। भरियो को ताल उसने काट लिया जम्बूरी ने यार। दर दो रहे कि नहीं हो रहा आपको भरीरा? कुछ देर पहले काटा, सब पता ही नहीं था जम्बूरी ने काटा। अभी पता लग रहा है ना, पता लग रहा है मेरे ख्याल से।
मेरे को कह रही हल्का हल्का दर्द हो रहा है। फ्रेंड के घर चीखे मारी इसने, क्योंकि पता है दम्बूरे ने काटा है इसलिए चीखे तो जारी बात है, मारनी है ना इसने। और क्या ठीक हो गया यहाँ पर बढ़िया तलाशा लगाती है, ये भी है बढ़िया की आंखों में आंसू है लेकिन बढ़िया हल्का हल्का महसूस नहीं होने दे रही। चेक करो ना भाई, ताला मलो ताला सही होता है इसके लिए, रोना नहीं है, बाकी कुछ नहीं होता, हिम्मत करो कुछ भी नहीं होता, दम्बूड़ी है। तो भाई बैठा हुआ था घर के अंदर, तो घर के अंदर बैठा हुआ था तो उधर से मम्मा कहती है कि मैं आपके लिए चाय और पापड़ और हलवा हलवा भिजवा रही हूँ, तो आप लोग खा लो। रकम कहता है मैं भी साथ साथ खाऊंगा, चाय तो मैं पीऊँगा ही नहीं। तो मैंने कहा मैं भी हल्की हल्की चाय पीऊँगा, रकम भी साथ बैठा हुआ है, चेक करो। बस यहाँ पर चाय से पीते हैं आराम सुकून से, मुझे मारते हैं, उसके बाद नमाज का टाइम, मुझे नमाज वमाज पढ़ने चलते हैं। बस मैंने कहा यहाँ पर व्लॉग नहीं एंड किया था, यहाँ पर व्लॉग की होती है हमारी एंडिंग, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इससे पहले अपने भाई को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।